दोस्तों, अगर आपने पियानो पर इस गाने को प्ले नहीं किया तो कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ सॉन्ग आशिकी 2 से तुम ही हो। इतनी तारीफ तो बनती है इस गाने की, और क्यों ना हो, इस सदी का बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग है। दोस्तों, मेरी लाइफ का तो ये बेस्ट सॉन्ग है एंड आई होप कि आप सभी का फेवरेट होगा। जो लोग अभी पियानो सीख रहे हैं या जिन्होंने सीख लिया है, उन लोगों ने इस गाने को पियानो पर जरूर प्ले किया होगा या करना चाहा होगा। इस गाने को पियानो पर प्ले करने पर एक अलग ही फील आता है। जब आप लोग भी इस गाने को पियानो पर प्ले करने लगेंगे तो ये फील आपको भी आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं इस अद्भुत गाने को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक एक लाइन को प्ले करके दिखाऊंगा और फिर उसी लाइन को स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ आपको बताता चलूंगा। और जिस लाइन को मैं आपको समझा रहा हूँ उस लाइन के नोटेशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देते रहेंगे, जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो गाने की शुरुआत होती है बहुत ही प्यारी धुन के साथ। तो पहले उस धुन को सीख लेते हैं। मैं आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये खूबसूरत सा म्यूजिक स्टार्ट होता है हमारा मिडिल ऑक्टव के एफ नोट से। बहुत ही आसान है इस धुन को बजाना। सिर्फ एक ही लाइन है, उसी लाइन को हमको 4 टाइम प्ले करना है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। लाइन है, बस यही लाइन है, इसी लाइन को हमको 4 टाइम प्ले करना है। तो इस लाइन में हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। इसको दो भागों में समझ लेते हैं। तो पहले देखिए एफ, जी शार्प और सी। सी कौन सा है, सी है हायर ऑक्टव का सी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्या किया हमने, सी शार्प हायर ऑक्टव का, इसके बाद जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर जी। फिर से देख लीजिए, पहले क्या किया, इसके बाद, तो कैसे प्ले करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस लाइन को प्ले करना है और इस लाइन को आपको 4 टाइम प्ले करना है। अब म्यूजिक के बाद शुरू होती है गाने की लाइन। तो गाने की लाइन है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते। तो गाने की जो लाइन है उसकी शुरुआत होती है हायर ऑक्टव के सी नोट से। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब इस लाइन को हम धीरे धीरे समझेंगे। हम ते रे बिन अब रह नहीं सकते, ठीक है। सकते के लिए 3 बार सी। नोट्स के साथ समझिए, हम के लिए सी, तेरे के लिए एफ डी शार्प, और बिन के लिए डी शार्प सी, और अब के लिए सी शार्प सी, और रह के लिए ए शार्प जी शार्प, और नहीं के लिए ए शार्प सी शार्प, और सकते के लिए सी सी सी, 3 टाइम सी। इस लाइन में ए शार्प और जी शार्प सिर्फ यही दो नोट मिडिल ऑक्टव के हैं, बाकी जो नोट लगे हैं वो सारे के सारे हायर ऑक्टव के लगे हैं। अब इसको सिंगल फिंगर से समझ लीजिए। अब इसके बाद लाइन है, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इसको भी स्लो देखिए, ते रे बी ना क्या वजूद मेरा, ठीक है। तेरे के लिए ए शार्प ए शार्प, बिना के लिए जी शार्प ए शार्प, क्या के लिए ए शार्प, वजूद के लिए जी शार्प जी एफ, और मेरा के लिए डी शार्प एफ। और इस लाइन में जो नोट्स लगे हैं वो सारे के सारे मिडिल ऑक्टेव के हैं। सिंगल फिंगर से देखिए। अब जैसे ही लाइन खत्म होती है, इसके बाद फिर से वही म्यूजिक शुरू हो जाता है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। उसी म्यूजिक को आपको यहां पर रिपीट कर देना है। बस अंतर यह है कि स्टार्टिंग में जो हमने प्ले किया था वो 4 टाइम प्ले किया था, अब जो हम प्ले करेंगे वो सिर्फ 2 टाइम प्ले करेंगे। हमें सिर्फ 2 बार प्ले करना है। इस म्यूजिक को आपने सीख तो पहले ही लिया है, मैं आपको सिर्फ प्ले करके दिखा दे रहा हूं। तो इस तरीके से आपको 2 बार प्ले करना है बस।
अब एक बार हम कंटिन्यू प्ले करके देख लेते हैं। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, और म्यूजिक। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। अब इसके बाद वही लाइन रिपीट कर देना है जो हमने पहले सीखी थी, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, इन्हीं लाइनों को आपको रिपीट कर देना है। रिपीट करने के बाद लाइन आएगी, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे। स्लो देखिए इसको, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे, ठीक है। तुझसे के लिए सी सी एफ, जुदा के लिए डी शार्प डी शार्प, और गर के लिए सी शार्प सी, और हो के लिए ए शार्प जी शार्प, और जाएंगे के लिए ए शार्प सी सी। इस लाइन में भी ए शार्प और जी शार्प मिडिल ऑक्टेव के हैं, बाकी जो नोट हैं वो हायर ऑक्टेव के हैं। अब सिंगल फिंगर से देख लीजिए, अब इसके बाद लाइन है, तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। स्लो देखिए, तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। नोट्स देखिए, तो के लिए सी, खुद के लिए ए शार्प, इसके बाद से के लिए फिर से ए शार्प, इसके बाद ही के लिए जी शार्प, इसके बाद हो के लिए ए शार्प, इसके बाद जाएंगे, जाएंगे के लिए ए शार्प जी शार्प जी एफ, चार नोट लगेंगे, जाएंगे के लिए ए शार्प जी और एफ, इसके बाद जुदा, जुदा के लिए डी शार्प एफ। तो इस लाइन में सिर्फ सी नोट जो है ये हायर ऑक्टिव का है, बाकी जो नोट्स हैं वो सारे के सारे मिडिल ऑक्टिव के हैं। सिंगल फिंगर से देखिए, अब इसके बाद लाइन है, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। स्लो देखेंगे, क्योंकि तुम ही हो, इसके बाद अब तुम ही हो, ये भी सेम ऐसे ही प्ले होगा, अब तुम ही हो। नोट्स देखिए, क्योंकि के लिए जी शार्प ए शार्प, और तुम के लिए सी, और ही के लिए जी शार्प, और हो के लिए ए शार्प। उसी तरीके से इसमें भी है, अब तुम ही हो, अब के लिए जी शार्प ए शार्प, और तुम के लिए सी, और ही के लिए जी शार्प, और हो के लिए ए शार्प। सिंगल फिंगर से देखिए, इस लाइन में भी सी नोट हायर ऑक्टिव का है, इसके बाद जी शार्प और ए शार्प मिडिल ऑक्टिव के। अब अगली लाइन है, जिंदगी अब तुम ही हो। स्लो देखिए, जिंदगी अब तुम ही हो। नोट्स देखिए, जिंदगी के लिए जी ए शार्प जी शार्प, अब के लिए जी एफ, और तुम के लिए जी, और ही के लिए डी शार्प, और हो के लिए एफ। सिंगल फिंगर से, ठीक है। अब इसके बाद लाइन है, हो चैन भी मेरा दर्द भी। स्लो देखिए, हो जी जी शार्प और ए शार्प, तीन नोट लगेंगे, इसके बाद चैन भी मेरा दर्द भी, चैन भी फिर मेरा दर्द भी, ठीक है। चैन के लिए सी जी शार्प, इसके बाद भी के लिए ए शार्प, मेरा के लिए जी शार्प ए शार्प, दर्द के लिए सी जी शार्प, इसके बाद भी के लिए ए शार्प। सिंगल फिंगर से,
यहाँ पर भी सी नोट हायर ऑक्टेव का, बाकी नोट्स मिडिल ऑक्टेव के। अब इसके बाद लाइन है मेरी आशिकी अब तुम ही हो, स्लो देखिए, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मेरी के लिए जी एफ, आशिकी के लिए जी ए शार्प जी शार्प, अब के लिए जी एफ, और तुम के लिए जी, और ही के लिए डी शार्प, और हो के लिए एफ। सिंगल फिंगर से अब इसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक प्ले होता है, मगर हम उस म्यूजिक को प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गाना बहुत ज्यादा लंबा है। अगर हमने म्यूजिक को भी लिया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और पूरा गाना कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ म्यूजिक को स्किप कर देंगे ताकि हमारा पूरा गाना कंप्लीट हो जाए। अगर आप सब लोगों की म्यूजिक को लेकर रिक्वेस्ट आती है तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन है तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं। तो ये वाली लाइन भी लगभग पहली वाली लाइन की तरह ही है, वैसे ही आपको प्ले करनी है। स्लो देखिए, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं। सिंगल फिंगर से देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद लाइन है तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी। तो ये लाइन भी आप समझ गए होंगे, ऐसे ही प्ले होनी है जैसे इससे पहले हमने सीखी थी। स्लो देख लीजिए, तेरे लिए हर रोज है जी ते तुझको दिया मेरा वक्त सभी। सिंगल फिंगर से देख लीजिए, अब इसके बाद लाइन है कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। स्लो देखिए, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। कोई के लिए डी शार्प एफ, लम्हा के लिए एफ जी जी, मेरा के लिए एफ जी, ना के लिए जी, हो के लिए सी शार्प, और तेरे के लिए सी शार्प सी, और बिना के लिए ए शार्प सी। सी और सी शार्प दोनों हायर ऑक्टेव के नोट है, बाकी मिडिल ऑक्टेव के। सिंगल फिंगर से देखिए, अब इसके बाद लाइन है हर सांस पे नाम तेरा। स्लो देखिए, हर सांस पे नाम तेरा आ। फिर इसके बाद दो नोट जी शार्प जी, हर के लिए सी एफ, सांस के लिए ई एफ एफ, पे के लिए सी, नाम के लिए सी ए शार्प, और तेरा के लिए जी शार्प, और इसके बाद दो नोट और लगाने जी शार्प जी। सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक है। अब ये जो लाइनें हैं, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, इन लाइंस को हम एक बार कंटिन्यू प्ले करके देख लेते हैं।
तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। अब इसके बाद वही लाइन रिपीट करनी है आपको जो आपने पहले सीखी थी, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। इन सारी लाइन्स को आप पहले ही सीख चुके हैं, तो इनको आपको यहाँ पर सिर्फ रिपीट कर देना है। अब यहाँ पर फिर से म्यूजिक आता है, म्यूजिक को हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, गाना बहुत ही बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब अगली लाइन है, तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है। स्लो देखिए, तेरे लिए ए ही जिया आ मैं ए खुद को जो यूं हूं दे दिया आ है तेरे के लिए एफ एफ, लिए के लिए डी शार्प एफ, ही के लिए एफ जी, जिया के लिए जी जी डी शार्प, मैं के लिए डी शार्प सी, खुद के लिए सी, को के लिए फिर से सी, जो के लिए सी शार्प, यूं के लिए सी शार्प एफ, इसके बाद दिया, दिया के लिए जी जी डी शार्प, इसके बाद है के लिए डी शार्प सी। इस लाइन के नोट्स तो आप समझ ही गए होंगे, सारे के सारे जो नोट्स हैं वो हायर ऑक्टेव के नोट्स हैं। अब इसके बाद लाइन है, तेरी वफा ने मुझको संभाला। स्लो देखिए, तेरी वफा ने मुझको संभाला आ, तेरी के लिए सी शार्प, वफा के लिए सी सी शार्प, ने के लिए सी, मुझको के लिए सी शार्प सी, और संभाला के लिए जी शार्प सी शार्प सी। नोट्स सी और सी शार्प दोनों हायर ऑक्टेव के, बाकी मिडिल ऑक्टेव के। सिंगल फिंगर से देखिए, अब इसके बाद अगली लाइन है, सारे गमों को दिल से निकाला। ये लाइन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही प्ले करेंगे, सारे गमों को दिल से निकाला। बिल्कुल सेम वैसे ही प्ले करनी है। इसको भी जल्दी जल्दी स्लो देख लेते हैं। सारे के लिए सी शार्प गमों के लिए सी शार्प, इसके बाद को के लिए सी, दिल के लिए सी शार्प से के लिए सी, और निकाला के लिए जी शार्प सी शार्प सी। अब इसके बाद है, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा। तो ये लाइन आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि यही लाइन आप पहले सीख चुके हैं, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। बिल्कुल वैसे ही आपको इस लाइन को प्ले करना है, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा। तेरे के लिए डी शार्प एफ, साथ के लिए एफ जी जी, मेरा के लिए एफ जी, है के लिए जी, नसीब के लिए सी शार्प सी, और जुड़ा के लिए ए शार्प सी। इसके बाद लाइन है, तुझे पाके अधूरा ना रहा। इस लाइन को भी आप समझ गए होंगे, ये वही लाइन है, हर सांस पे नाम तेरा, वैसे आपको इसको प्ले करना है, तुझे पाके अधूरा ना रहा। तुझे के लिए सी एफ, पाके के लिए ई एफ एफ, अधूरा के लिए सी सी ए शार्प, ना के लिए जी शार्प, और रहा के लिए ए शार्प जी शार्प, और इसके बाद फिर दो नोट लगाने जी शार्प जी। सिंगल फिंगर से आप, इसके बाद जो लाइनें आएंगी वो आप पहले ही सीख चुके हैं, उनको आपको रिपीट करना है, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वैसे तो वीडियो कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा लास्ट में बताना रह गया था, कुछ लाइनें हैं जो पहले हमने सीखी थी वो थोड़ी हाई नोट पर हैं, उनको थोड़ा बताना था, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वीडियो को हम यहीं पर रोक दे रहे हैं। पूरे गाने को एक वीडियो में कवर करना, एक एक लाइन को बारीकी से समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा, कितना समझ आया, ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं
या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।